हम आपको एक बात बता दें, हम सन्यासी नहीं हैं, हम आत्मा नहीं हैं, हम गृहस्थी हैं, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, सनातनी होने पर प्राउड फील करते हैं, और इसलिए प्राउड फील करते हैं इसलिए धर्म पर अपनी जान लुटाने के लिए भी तैयार हैं। हमारे कदम जो बढ़ गए हैं वो पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इसकी कीमत हमें कोई भी चुनकानी पड़े। कन्हैया से बड़े कोई कीमत नहीं हो सकती हमारे लिए, कन्हैया से बड़ा क्या होगा हमारे लिए। और एक बात, अगर ये समाज मेरा साथ देगा, आप लोग सनातनी अगर मेरा साथ देंगे, युवा अगर मेरा साथ देंगे, जो सनातनी जिस जगह पर बैठे अगर आप साथ देंगे, आप भी अगर मेरी तरह सनातनी होने पर प्राउड फील करेंगे, साथ देंगे, मैं वादा करता हूं बहुत जल्द भगवान को आगरा से हम मथुरा ले आएंगे, अगर आपका साथ रहा तो। तो आपको क्या लगता है आप साथ नहीं देंगे तो मैं साथ पीछे हट जाऊंगा? नहीं हटूंगा, फिर भी ये लड़ाई जारी रहेगी, और ये लड़ाई जारी रहेगी तो उस लड़ाई में शायद टाइम लग सकता है, उस लड़ाई में समय लगेगा, और जब तक समय लगेगा लगाऊंगा, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कन्हैया आ ना जाए। कोई मेरे बारे में कह रहा था, किसी ने मुझे वीडियो सुनाया, कोई मेरे बारे में कह रहा था, देवकी नंदन ने 5 दिन दिए थे आगरा से मथुरा लाने में भगवान को सीढ़ियों के नीचे से, क्या कर लिया? 5 दिन निकल गए, क्या कर लिया देवकी नंदन ने? मैं आपको बता दूं माय डियर, देवकी नंदन ने 5 दिन दिए थे भाईचारा निभाने के लिए, कि मैं 5 दिन देता हूं, अगर इस विषय पे बात करनी है तो करो, पूरा वक्तव्य सुनो, आधी अधूरी बात मत किया करो। यहां तो प्राण जाए पर वचन न जाए, जो बोल दिया सो होके रहेगा, याद रखना, चाहे उसके लिए हमें कोई कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हमने कहा था जो भाईचारे की बीन बजा रहे हैं उनको हम 5 दिन देते हैं, हमारे ठाकुर को अपने आप लोग कर दीजिए वापस। अगर आप नहीं करेंगे 5 दिन में, बात नहीं करेंगे, तो हम कानूनी लड़ाई प्रारंभ कर देंगे, ये हमारा वक्तव्य था। और जब उनका कोई जवाब नहीं आया, रिस्पॉन्स नहीं आया, आफ्टर फ्यू डेज हमने आगरा में केस कर दिया, संविधान का अधिकार है ना हमारे पास, हमने वो केस किया, और आज उस केस की 5 सुनवाई हो चुकी हैं। 18 तारीख जो निकल के गई है उसको भी सुनवाई थी, तब भी वो नहीं आए। हमने ज्ञान वापी की तर्ज पर उस जगह की जांच हो, ऐसी एप्लीकेशन हमारे वकील ने डाल दी है 18 तारीख को। ये हमारी तरफ से जारी है लड़ाई, पीछे नहीं हटेंगे। संविधान ने जो राइट्स हमको दिए हैं, संविधान के सम्मान के साथ इस लड़ाई को जारी रखेंगे। और एक बात बता दें, अगर आप सब सनातनियों ने मेरा साथ दिया, सब तो नहीं दे पाएंगे, अगर 5% लोगों ने साथ दिया वो भी ना दे पाए, अगर 1% लोगों ने साथ दे दिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको वचन देता हूं कि ठाकुर जी बहुत जल्दी वहां से वापस आ जाएं, बहुत जल्द। कानूनी लड़ाई चल रही है, एक और लड़ाई हम शुरू कर सकते हैं संविधान के दायरे में, अगर आपका साथ रहा तो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, हाँ जोर से।